बीते एक साल से भिंड का अटेर जनपद कार्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। अटेर जनपद अध्यक्ष कमला देवी के बेटे विकास शर्मा पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर जनपद सीओ राजभर पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। विकास शर्मा और अन्य तीन जनपद सदस्यों पर एफआईआर दर्ज होने पर जिले की सियासत गर्मा गई है। आज ब्राह्मण महासभा संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सतीश जोशी ने पूरे मामले में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया पर राजनीति करने और जनपद अध्यक्ष राजभर पटेल को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। फिलहाल मामले में एएसपी संजीव पाठक ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट के जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा जी पर अटेर सीओ ने फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। उनके साथ अन्य जनपद सदस्य भी थे। जनपद सीओ पिछले एक साल से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विकास शर्मा द्वारा उनकी लड़ाई कलेक्टर ऑफिस से लेकर आयुक्त ऑफिस तक और एसपी ऑफिस तक बराबर लोकायुक्त लड़ाई लड़ी गई और इसमें शासन द्वारा जांच सिद्ध हुआ है कि जनपद पंचायत सीओ राजधर पटेल जी दोषी पाए गए हैं। उन पर एफआईआर की सिफारिश भी की है और मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री ने जो पूर्व मंत्री अभी हो गए हैं उन्होंने इसकी सिफारिश भी की, उन पर एफआईआर कराई जाए, उक्त कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर इसी सब घटनाक्रम में विकास शर्मा के ऊपर एफआईआर करा दी गई है क्योंकि वो इसमें दबाव में आकर सारे वेबसाइट पढ़ते जो खुल रही हैं उनको दबाने का काम करने की एफआईआर की गई है। हमारे विकास शर्मा जो उनको सीओ साहब ने उनको गलत तरीके से उनको ऊपर एफआईआर की गई है, उस एफआईआर को गलत तरीके की है। और जो विकास शर्मा जी काम करते हैं उसमें अड़बंगा लगाते हैं, उनकी फाइलों को दबाने का काम करते हैं और जो भी काम विकास करना चाहते हैं विकास शर्मा जी तो उसमें अड़बंगा लगा के और फाइल दबाते हैं। इसलिए हम सब ब्राह्मणों में पता चला है कि विकास शर्मा को फर्जी एफआईआर की गई है, उस एफआईआर तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। नहीं, हम सब लोग ब्राह्मण इकट्ठे होकर भिंड से लेकर भोपाल तक आंदोलन करेंगे। हमारे ब्राह्मणों में आक्रोश है इस बात। देखिए, मार्च माह 2023 में मनरेगा सामग्री भुगतान में अनियमितता और कमीशन खोरी की शिकायत मेरे पास आई थी या माननीय जनपद अध्यक्ष जी के पास, जिसकी शिकायतों के आधार पर माननीय कलेक्टर साहब भिंड को तत्कालीन सतीश कुमार एस को हमने लिखित में शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर कलेक्टर साहब ने एक 3 सदस्यीय जांच दल बनाकर उस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। जांच दल द्वारा सौंपे जांच प्रतिवेदन के अनुसार उसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई, शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत भुगतान करना पाया गया और उस जांच प्रतिवेदन के आधार पर भिंड कलेक्टर द्वारा सीईओ राजधर पटेल के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रेषित किया गया। उस प्रस्ताव के आधार पर आयुक्त महोदय द्वारा अपर सचिव को प्रस्ताव भेजा गया कि राजधर पटेल के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए एवं इनको अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। इस सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर की गई है ये जो शिकायतें पिछले 1.5 साल से मैंने सीईओ के खिलाफ की हैं और जो उन पर कार्रवाई की है उस शिकायतों को वापस लेने के लिए ये एफआईआर करवाई गई है। ये जो जनपद अटेर में पदस्थ विकास शर्मा के ऊपर अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, उसी बात को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग आज एक ज्ञापन देने आए थे जिसमें उचित कार्रवाई करने एवं जांच कराकर पुनः इसमें विवेचना कराने का आग्रह उनके द्वारा किया गया, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस पर हमने डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के लिए आदेशित किया।